वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं ट्राई नॉट टू क्राई चैलेंज पार्ट टू। अगर आपने पहला नहीं देखा हो तो आई बटन यहाँ होगा और दबा के देख लेना। एंड मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए मेरी आवाज थोड़ी वियर्ड लग रही होगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। I'm really sorry, इतने दिनों से बहुत सारे वीडियोस मिस हो रहे थे। That's because मेरी बेस्ट फ्रेंड के ब्रदर की शादी थी और मुझे उसमें बिजी रहना पड़ रहा था। तो समझ रहे हो आप? वैसे मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था, ऐसे वीडियो नहीं आया था। I'm really sorry, but अब मैं बिल्कुल फ्री हूं and I will be posting as much as I can। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नाउ तारीख का रूल, हमारे शायद एक या दो वीडियोस होंगे इसके अंदर जितना हम देखने वाले हैं। एंड जो पहले रो दिया वो हार गया, सिंपल एज दैट। एक आदमी है और एक जान। अरे यार क्या हो गया? एक वुल्फ है और उसका बेबी है जिसको वो लेके भाग रही है। अच्छा, उसने उसके बच्चे को मार दिया। मरने के बाद ऐसे वो जने जमा भी देते हो उसकी खाल के लिए? हे भगवान, वो मम्मी को मारने आ गया। इसको काट के फेंक दो यार। सही किया। वो उसके बच्चे को फिर उठा के लेके जा रहा है। अरे बच्चा जब मर चुका है तो उस बच्चे के पीछे क्यों पड़ा हुआ है ये? और बच्चा गिर गया वहां से। बच्चा मर गया ना? उठा बच्चा मोस्टली मरा हुआ ही था, तभी तो वो स्टिफ हो रखा था ना। उसको उसका बच्चा दिख गया। इस आदमी को फिर उस बच्चे को ले जा रहा है उठा के। यार क्या चाहिए उसको? उसको शायद समझ नहीं आ रहा। अच्छा, उसको याद आ रहा है। अच्छा, कि ऐसे उसने उसके बच्चे को मारा था। तब वो चली गई थी उस टाइम। अच्छा, इसलिए वापस लेने आई थी। खिलौना वगैरह कुछ थोड़ी बना है। नहीं नहीं, वो जम गया होगा ना। अब रो दिए। शिट, हमारा वीडियो खत्म हो गया। रूल्स थोड़े चेंज करते हैं। अच्छा, ट्राई नॉट टू क्राई था और मैं पहले में ही रो दी। इसमें बेसिकली जो हंटर बच्चा था, वो यंग हंटर था, उसने वुल्फ के बच्चे को मार दिया था। तब वुल्फ की मम्मी आई थी, उसको वो याद आता है बाद में। एंड उस टाइम क्योंकि उस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, उसके जो भी गार्डियंस हैं, उन्होंने उसको बचाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है तब वुल्फ उसको मार देती, नहीं तो उसको तब बचाने के लिए वो लोग आए और उसको भगा दिया मदर को गोली मार मार के। बट देन काफ़ी टाइम बाद ऑब्वियसली बात है बॉडी स्टिफ हो जाती है खरीदना भी। तो ऐसे करके फिर मदर को बाद में शायद वापस ढूंढ के आती है और बच्चे को वो ढूंढ के ले जाती है। तब उसको समझ में आता है कि मम्मी तब से अपने बच्चे के खोज में थी। एंड ऐसे करके वो फिर बच्चे को, उसको याद आ जाता है तो वो बच्चे को उसकी मदर की डेड बॉडी के साथ ही रख देता है। अब हमारे पास एक और वीडियो है ही, तो एक और देख लेते हैं। लेट्स होप कि उस पर मैं नहीं रोऊंगी और ये रोएगी तो हमारा शायद थोड़ा इक्वल ही होगा। कोई डॉग ये भौंक रहा है, भाग रहा है। द डॉग मूवी का नाम है। ओह नो,
उनके डॉग भागता हुआ कहीं जा रहा है, स्ट्रीट डॉग होएगा तब इधर से उधर भाग, नहीं नहीं नहीं, फिर एक जगह से अंदर भी घुस गया, फिर दरवाजे से किसी को बुला रहा है। अच्छा, खाता होएगा, स्ट्रीट डॉग होएगा पर बीच में आके खाता होएगा, तो शेफ उसको खिलाता होएगा। ये नहीं पसंद आया, और चाहिए। उसको भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया, आज क्यों नहीं खा रहा सूंघने के बाद। दरवाजा बंद नहीं करो, वो कुछ बोलने का ट्राई कर रहा है। हाँ, उसको शायद कहीं लेके जा रहा है ना। हाँ, मतलब डॉग यूजुअली ऐसे करते हैं, किसी डायरेक्शन में देख के भौंकते हैं। तो वो उधर देख के उसको भी देख रहा है, उसको समझ, मतलब बाकी लोगों को ये समझ कैसे नहीं आता। अरे सुन ले उसकी बात भाई, शेर उसको गुस्सा आ गया। मतलब किसी की समझ नहीं आ रही कि वो कुछ कहना चाह रहा है, कोई तो सुन लो यार। क्या उसको ठंड लग रही थी, उसको खांसी हो रही थी, ये देख रहा है बस। डोंट टेल मी उसको ठंड लग रही है यार। इसका एक पैर ही ऊपर क्यों खड़ा करके खड़ा है, लगी हुई है। नहीं, फीमेल्स आर यूजुअली ऐसे होते हैं ना कि ठीक है समझ नहीं आ रहा क्या चाहिए, सिर्फ सुन रहे हैं। ये ले उसको चीज को सिर्फ क्यूट समझ रहे हैं, पता नहीं इनको स्टिल समझ नहीं आ रहा वो कहना क्या चाह रहा है। अरे उसके पीछे चल जाओ यार, वो उसको बुला रहा, आ जा। ही भी लेकिन गद्दों को समझ नहीं आया। हाँ, ओ शिट, ये लेके भाग जाएगा। हैं, हाय हाय, ऐसे में लोग गलत समझ जाते हैं ना फिर डॉग्स को। डॉग इसको पक्का किसी पिल्ले बिल्ले को तो नहीं देना कि वो ठंड के मारे में मर रहा हो या कुछ हो। ओके, तो ऐसे वो उसको स्कार्फ वाप चे लेके जा रहा है वो। हाय, पता नहीं उसको स्कार्फ क्यों चाहिए, या तो स्कार्फ से पकड़ के लेके जाने का ट्राई कर रहा था, गॉड नोस। क्रूज में जा रहा है। अरे क्रूज तो चली गई, हाय पानी में गिर गया, पानी में गिर गया। चलो पानी से बाहर तो आ गया। सबको बुलाने का देखना, ये कितनी गलत चीज होती है। देखना सबके पास शेड है बचने के लिए, पर डॉग के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर वो जाना चाहेगा तो भी उसको भगा देंगे। अच्छा, बूढ़े बाबा का छाता नहीं खुल रहा, खुल गया। अच्छा, वो देख रहा है ना कि कैसे छाते के ऊपर बारिश फिर आपके ऊपर नहीं गिरेगी। उसको बैठने देना प्लीज, भगाना मत, बिस्किट कुछ निकाल के दे रहा है। सबको यही लगता है ना कि सिर्फ डॉग को सिर्फ भूखी लग रही है, उसको सिर्फ खाना ही चाहिए। कभी कभार यार, हाय उसका छाता चला गया। लेके भाग गया, लेके खुद भाग गया कि मेरे को भी छाता चाहिए। अरे भाग गया, सही में भाग गया। सबके पास खाने पीने को है, सबके पास शेल्टर है, सबके पास पेरेंट्स है। उसको भी चाहिए होगा खिलौना। क्या हो रहा है, भगा देंगे अभी उसको। अच्छा, वो खिलौना लेके भाग के आ गया। ओ गाड़ी गाड़ी गाड़ी,
उसको कुछ नहीं हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ बेचारा। शिट, वो मर, वो भिड़ गया कहीं जाके। ओ अब सब कुत्ते को वो करेंगे यार, तो कुत्ते की क्या गलती है यार। हाय पत्थर मार रहे, फिर भौंक रहे वहां जाके। अच्छा तो लोगों की नींद, ये कौन है बाबा, कौन है बाबा, कौन है हाय। ओ शिट, देखो वहां छाता भी रखा हुआ है। शिट नहीं, पॉइजन होएगा, मत खा मत खा। अच्छा खाना पकड़, खाना खिला के जो ये लोग पकड़ के लेके जाते ना, क्योंकि कंप्लेंट आ गई होगी ना डॉग को ले जाने के लिए। सही गिरा इसके हाथ पर, उसके गले में जो है वो अब कौन उतार के देगा उसके। खुश हो रहा वो आदमी, डोंट टेल मी उसके अंदर उसके पिल्ले हैं यार। बेबी था, ह्यूमन बेबी था। वो ह्यूमन बेबी के लिए कर रहा था ये सब। तो इसमें बेसिकली यही था कि डॉग को पता चलता है कि एक बेबी को अबैंडन कर दिया है, एंड फिर उसने उसकी उसकी मदर को भी काफ़ी भौंका। और वो क्या ही कर सकता है, एक डॉग तो बेचारा यार, वो तो सिर्फ भौंक ही सकता है। और उसको आप किसी भी तरीके से ले सकते हो, वो परेशान कर रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, उसको भूख लग रही है, क्या है कुछ पता नहीं। बट उसने जितना ट्राई कर सकता था, वो भी नहीं कि खुद के बच्चे के लिए, बट एक इंसान के बच्चे के लिए वो इतना कर रहा था। सबसे बोल रहा था कि सब लोग, कोई भी अगर उसके साथ चल चलता ना तो समझ में आ जाता कि वहाँ पर एक बच्चा को, उस बेबी तो नॉन स्टॉप रो ही जा रहा था बीच बीच में। बट किसी ने नहीं समझी उसकी बात, और इन दी एंड वो उस बच्चे को बचाते हुए, एक ह्यूमन बेबी को बचाते हुए वो खुद मर गया। सो दैट इज समथिंग जो पता नहीं इस दुनिया में कुछ ज़्यादा ही होता है एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है कि जानवरों को हम लोग में से कोई नहीं समझ पाता है, एंड ऊपर से समझते नहीं हो, कोई बात नहीं, कुछ कर नहीं सकते उनके लिए, कोई बात नहीं। पर यार उसको इन दी एंड उसकी लाइफ आपने डिसाइड कर सकते हैं कि उसको कब मौत मिलनी चाहिए, कब नहीं मिलनी चाहिए, उसको कब आप मार सकते हो, कब नहीं मार सकते हो, वो आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। सो दैट इज समथिंग मेरे हिसाब से इस वीडियो में यही समझ में आता है कि डॉग की लाइफ, एक और चीज़ समझ में आती है कि डॉग की एग्जैक्टली लाइफ कितनी ट्रबलसम, डॉग ही नहीं बाकी कई जानवर, बिल्ली हो गई या जो भी हो गया, सबकी लाइफ कितनी ट्रबलसम है। बट फॉर सम रीज़न डॉग्स को सबसे ज़्यादा परेशान किया जाता है, चाहे वो मज़े के लिए हो, खुद की बचाव के लिए हो, या किसी भी चीज़ के लिए हो, कुत्तों को सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है। तो या ये चैलेंज तो टेक्निकलिटी से मैं कुछ ज्यादा ही अच्छे से हार गई। या चिन्नू हारी, चिन्नू कितना रोए नहीं रोए वो वीडियो में देखना पड़ेगा, बिकॉज मेरा तो ध्यान नहीं गया इसके रोने पे। सो या दैट इज ऑल अबाउट दैट, मैं अच्छे से हार गई, आप लोग ने मेरा रोता हुआ चेहरा दोबारा देख लिया।
पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। इन दोनों स्टोरी से आपको अगर कुछ समझ में आया हो तो मेरे हिसाब से वही होना चाहिए कि आपको एनिमल्स की तरफ एक एम्पैथी, एक इतना सा ही सही, आपको आपके दिल में उनके लिए एक एम्पैथी होनी चाहिए, एक तरस होना चाहिए, एक दया होनी चाहिए जानवरों के प्रति। तो प्लीज़ उन्हें हर्ट मत करें, और उन्हें हर्ट होता हुआ अगर आप देख रहे हैं कि कोई और हर्ट कर रहा है तो प्लीज़ कुछ बोले, रूडली बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत छोटे हैं, आपको स्टेप अप करने की जरूरत नहीं, पर आप अपने पेरेंट्स से स्टेप अप करवा सकते हैं और रुकवा सकते हैं कोई भी ट्रबल जो जानवरों की तरफ हो रहा हो। अभी ठंड का सीज़न है तो प्लीज़ हो सके तो उन्हें गर्म दूध दे सकें तो दे दीजिए कभी अगर हो पाता है तो। अगर आपके घर के बाहर डॉग्स रहते हैं तो प्लीज़ उनके लिए एक फटा हुआ ही सही, उनके लिए उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, बट कुछ भी जो आप उनसे उनको थोड़ी गर्मी मिल सके और उनको ठंड में कांपते हुए ना सोना पड़े। सो या दैट्स ऑल अबाउट दैट। नाउ विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। बाय। 2 1